नाइट मुंबई में आज हम आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताएंगे जिसका नाम तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसको लेकर जो धारणाएं हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली है। इसे अपराधों का गढ़ भी कहा जाता है। रात के समय यहां गुजरने वाले लोग अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं। बीते कई सालों में इस इलाके में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से नाला सुपारा की इमेज थोड़ी खराब हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई से सटे पालघर जिले के उसी नाला सुपारा की। आज हम आपको इसी नाला सुपारा के कुछ इलाकों का नजारा दिखाएंगे। क्या रात के समय यहाँ किस तरह की जिंदगी चलती है। सबसे पहले हम आपको नाला सुपारा के सबसे चर्चित भाजी मार्केट गाला नगर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। आप इस सड़क पर देख सकते हैं कि एकदम सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, लंबी चौड़ी सड़कें लेकिन पूरी तरह खाली सुनसान, जबकि दिन के समय सड़क पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, खास करके शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान। लेकिन रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है इस सड़क से लोगों की भीड़ भी कम होने लगती है। गाला नगर भाजी मार्केट के बाद हमारी टीम ने अचोले रोड समेत नाला सुपारा के कई इलाकों का भी दौरा किया, जहां रात में हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़क पर दौड़ रही थी, जबकि बाकी सब कुछ बंद था। इन सब के बीच कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली है। कहीं बस स्टॉप पर सोते हुए लोग मिले तो कहीं मंदिरों के परिसर में। इन्हीं नजारों को कैद करते हुए हमारी मुलाकात हुई रात के सुरक्षाकर्मी दीपक पांडे से, जिनकी कहानी सुनने के बाद आप भी कहेंगे वाह पांडे जी क्या बात है। रात में 12 घंटे काम करने वाले दीपक के परिवार में 5 लोग हैं। इन्हीं की खातिर पांडे जी को रात में भी काम करने में कोई गुरेज नहीं है। ये हमारी 12 घंटे की ड्यूटी 8 से 8 नाइट ड्यूटी पे है, हम लोग ड्यूटी करते हैं। मतलब यहाँ तो सुरक्षा पब्लिक की सुरक्षा के लिए हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बस टूरिस्ट गाड़ियाँ पार्क होती थी उसके पीछे कपल आते थे, बेवड़े चर्ची लोग आते थे और पब्लिक को बहुत दिक्कतें होती थी, आने जाने का रास्ता नहीं मिलता था। अभी हम लोग ने यहाँ पे 1-1.5 महीने से काम किया और पूरा एकदम साफ सुरक्षित हो गया है, कोई यहाँ पे परेशानी दिक्कत नहीं, अभी पब्लिक खुश है। बातों बातों में जब हमने दीपक पांडे से पूछा कि रात के समय नाला सुपारा को असुरक्षित माना जाता है और आप तो खुली सड़क पर रात में बिना किसी हथियार के ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि डर किसी चीज का नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए दीपक पांडे बीते 6 सालों से इसी तरह से नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी दीपक पांडे से बातचीत करने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ते हुए पहुंची नाला सुपारा रेलवे स्टेशन। नाला सुपारा रेलवे स्टेशन का जो नजारा देखने को मिला वो दिन के मुकाबले बेहद अलग था। जहां एक ओर दिन में नाला सुपारा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर खचाखच भीड़ होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रात में उसका उलट दिखाई दिया। बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म, गाड़ियों के आने जाने की अनाउंसमेंट हो रही थी। देर रात काम करने वाले इक्का दुक्का लोग जरूर लौट रहे थे और वो प्लेटफॉर्म से अपने घर की ओर जा रहे थे। लगता है अभी अभी कोई लोकल आकर गई है। रात में लोकल आने के बाद लोगों की चहल कदमी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन लोकल के गुजरने के बाद फिर पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान हो जाता है। इसी बीच में नाला सुपारा रेलवे स्टेशन के बाहर 16 साल का एक ऐसा बच्चा मिला जिसकी दास्तान को सुनकर शायद आपका दिल भी सहम जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? सज्जन अली। सज्जन अली, अली। कहाँ के रहने वाले सज्जन? यूपी बहराइच उत्तर प्रदेश। अभी रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त, तुम बताओ इतनी रात क्या दुकान कर रहे हो, आखिर क्या मजबूरी की ये कर रहे हो तुम? अकेला हूँ ना, मातारे बाप काम नहीं कर पाते, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मतलब तुम्हारे काम धाम करने से घर चल रहा है? हाँ चलेगा ना, बसता है 300-400 तो चलेगा, क्यों नहीं। अच्छा, कितना कमा लेते हो तुम, कितने घंटा करते हो ये सब? 12 घंटा। पूरा 12 घंटा करते हो? हाँ। कितना कमा लेते हो? 300-400 कभी 200 बस। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? 3 लोग, मैं 2। अच्छा, मम्मी पापा काम नहीं कर पाते? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? घर में खेती बाती है, 1-2 बीघा हो में। अच्छा, बस करते हैं। मतलब यूपी में घर है तुम्हारा? हाँ।
वहाँ क्या कर क्या खेत खेत जमीन है कुछ? हाँ, एक दो बीघा बस। अच्छा, देखा आपने, रात 2 बजे भी ये बच्चा किसी तरह रोजी रोटी की वजह से अकेला ही लगा हुआ है। वॉचमैन पांडे और रात में भी काम करने वाला बच्चा समाज के लिए मिसाल है। राह से भटकते लोगों के लिए मेहनत और पूरी ईमानदारी से घर चलता है। थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इस तरह से जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी।